सो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम संतोष और आज हमारे सामने होंडा की तरफ से हाल ही में लॉन्च हुई एलिवेट। आप अगर इसके टॉप मॉडल ZX का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल आपके सामने है VX जो सेकंड टॉप मॉडल है, तो आज सारी सारी बात करने वाले हैं होंडा एलिवेट VX के बारे में, क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, क्या प्राइस होती है, क्या फीचर्स मिलते हैं, सारी बात करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहिए और जितने भी लोग चैनल पर नए आए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ हमारी कोई भी आप मिस ना कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर होंडा एलिवेट के वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो SV, V, VX और ZX वेरिएंट में अवेलेबल है, और अगर कलर्स की बात करें तो 3 डुअल टोन कलर्स और 7 सिंगल टोन कलर अवेलेबल है। इंजन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में आती है, डीजल में कोई भी ऑप्शन आपको या फिर CNG में देखने के लिए नहीं मिलेगा। और प्राइस शुरू हो जाता है होंडा एलिवेट का 11 लाख से लेकर 16 लाख रुपये एक्स शोरूम में। इसका प्राइस आपको इन बिटवीन वीडियो आपको पता चल जाएगा। फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और बल्की लुक लगता है। की बात करें तो होंडा की टिपिकल की स्टाइल की आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लॉक एंड अनलॉक के बटन आपको देखने के लिए मिलेंगे। फ्रंट से जो लुक है वो कुछ इस तरीके से होंडा एलिवेट का देखने के लिए मिलने वाला है। काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड और बल्कि ग्रिल आपको देखने के लिए मिलते हैं। नीचे स्किड प्लेट आपको सिल्वर कलर के फिनिश में देखने के लिए मिल जाती है। हेडलैम्प्स की बात करें तो कम्प्लीटली LED हेडलैम्प्स आपको यूनिट देखने के लिए मिलता है, जो कि ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और जो फॉग लैंप्स हैं वो भी आपको LED में ही यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। बाकी कुछ इस तरीके की फिनिश जो है फ्रंट ग्रिल और फ्रंट फेशिया की इस तरीके से थ्रो वगैरह लाइट्स का आपको देखने के लिए मिलता है। कॉम्पिटिटर्स की बात करें क्रेटा, किया सेल्टॉस, मारुति ग्रैंड विटारा जैसे कॉम्पिटिशंस हैं होंडा एलिवेट के। टायर साइज की बात करें 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, और मैक पर्सन स्टार्ट विद कॉल स्प्रिंग सस्पेंशन आपको देखने के लिए मिलेंगे फ्रंट में। बाकी क्लैडिंग्स वगैरह दी हुई है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल वॉरवेंस मिलेगा विद लेन कैमरा। सिर्फ लेफ्ट साइड मिलेगा, राइट साइड नहीं मिलेगा। यहाँ से सारी क्रोम की जो लाइनिंग है वो कंटिन्यू होती है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको मिल जाता है दोनों साइड, ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड। ऊपर आपको रूफ रेल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाती है, और 40 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जो कि फ्यूल लिड आपको अंदर से खोलनी पड़ेगी, बाहर से नहीं खुलेगी। पीछे के टायर्स और अलॉय व्हील्स कुछ इस तरीके के आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं। क्लैडिंग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैवी दी हुई है कार में, जैसा कि आपको ब्रेजर वगैरह में देखने को मिलती है। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो सेकंड बेस मॉडल में आपको 2 एयरबैग्स मिलेंगे, इससे ऊपर वाले में 6 एयरबैग्स मिलते हैं। ABS विद EVD, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी एंड ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, आइसोफिक्स, लेन वॉच कैमरा वगैरह जैसे फीचर्स आपको होंडा एलिवेट के सेकंड टॉप वेरिएंट में देखने के लिए मिलेंगे। 6 एयरबैग्स वगैरह जैसे और अडास जैसे फीचर्स आपको टॉप मॉडल ZX वगैरह में देखने के लिए मिलते हैं। फिलहाल साइड से जो लुक है वो कुछ इस तरीके की, और अभी चलते हैं कार के रेयर लुक की तरफ। और पीछे स्पेस वगैरह थोड़ा कम है, तो बाकी जो रेयर लुक है वो पीछे से कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। फुली LED के टेल लैम्प यूनिट आपको देखने के लिए मिल जाती है, कुछ इस तरीके के डबल स्ट्राइप आपको यूनिट देखने के लिए मिलेगी। इंडिकेटर और रेयर लाइट्स वगैरह मिलते हैं, IVTEC की बैजिंग मिल जाती है, नीचे रिफ्लेक्टर्स और रेयर पार्किंग सेंसर्स वगैरह दिए हुए। नीचे स्किड प्लेट भी सिल्वर कलर के आपको बम्पर्स भी देखने के लिए मिलती है, और रेयर पार्किंग कैमरा यहाँ पर मिल जाता है। एलिवेट की बैजिंग मिल जाती है, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, ऊपर शार्क फिन एंटीना जैसे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं होंडा एलिवेट में। फिलहाल टेल के टॉप रिलीज करते हैं। यहाँ पे आपको LED रजिस्ट्रेशन प्लेट स्लाइड्स मिलती है, और टेल गेट कुछ इतनी हाइट पे जाता है। और अगर बूट स्पेस की बात करें 458 लीटर्स का बूट स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है विद 60-40 स्पीड फंक्शन के साथ। पीछे रियर लाइट्स वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि नाइट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। बाकी टूबी किट्स वगैरह मिल जाती है, हैंगिंग हुक्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं छोटे से। बाकी रियर पार्शियल ट्रे है, इसको आप उठाएंगे तो यहाँ पे आपका स्पेयर व्हील, टूल किट्स वगैरह जैसे जैक वगैरह जैसे यहाँ पे आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती है। 60-40 का स्पीड फंक्शन मिलता है, रियर पार्शियल ट्रे वगैरह जैसे सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे ग्रैब करके आप इसे क्लोज कर सकते हैं। फिलहाल क्लोज करते हैं इसको और चलते हैं ड्राइवर साइड डोर की तरफ। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है विद बॉडी कलर डोर हैंडल, नीचे की होल भी आपको देखने के लिए मिलता है। और डोर की बात करें तो डुअल टोन फिनिश आपको इंटीरियर में देखने के लिए मिलती है, ब्लैक एंड बीच कलर की। ये सारा फैब्रिक फिनिश है, इससे अपर मॉडल में टॉप मॉडल में आपको लेदर फिनिश मिलता है। फ्रंट विंडो आपको ऑटो फंक्शन के साथ मिलती है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल वॉरवेंस विद बॉटल होल्डर, स्पीकर्स, रोटर वगैरह यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे सिल्वर कलर की फिनिश वगैरह दी हुई है। सीट की बात करें हाइट एंड डिक्लाइन अगर दोनों एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फैब्रिक सीट्स आती हैं। ये सीट्स आपकी एज ए एक्सेसरीज लगाई गई हैं, आई थिंक जो भी होगा आपके डिस्प्ले मेंशन हो जाएगा। और यहाँ पे आपका फ्यूल लिड ओपन करने के लिए और हुड ओपन करने के लिए लिवर्स वगैरह दिए हुए हैं, यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने के लिए, और हेडलाइट लेवलर्स वगैरह दिए हुए हैं। और जो इंटीरियर की बात करें तो कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको देखने के लिए मिलता है होंडा एलिवेट सेकेंड टॉप वेरियंट का। फिलहाल चलते हैं अंदर और बात करते हैं आगे।
अंदर बैठने बाद कुछ इस तरीके का इंटीरियर डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है। स्टीयरिंग व्हील आपको थ्री स्पोक देखने के लिए मिलेगा गन मेटल फिनिश के साथ। और यहाँ पे आपको रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है, यहाँ पे मीडिया के रिलेटेड कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं, एमआईडी के रिलेटेड कंट्रोल्स भी यहाँ पे आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको कोई कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप स्विच मिल जाता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पे आपको मैनुअल वाइपर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे मिलता है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बीच में आपको डिस्प्ले वगैरह मिल जाती है, और जो एमआईडी के और ब्राइटनेस के कंट्रोल्स है वो आप यहाँ से एक सेपरेट बटन दिया हुआ है ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए जिससे आप कर सकते हैं, और एमआईडी कंट्रोल्स करने के लिए यहाँ पे आपका स्टीयरिंग व्हील पे ही दिया हुआ है कंट्रोल्स, जहाँ पे आपका डिजिटल स्पीड, रेंज, फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज स्पीड और ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, सेफ्टी सपोर्ट, सेटिंग व्हीकल इन्फॉर्मेशन, वार्निंग, मैसेज, डिस्प्ले वगैरह सारे जैसे जो चीज़ें हैं वो आपके डिस्प्ले पे ही शो करता रहेगा। यहाँ पे किलोमीटर, ट्रिप रेट, ट्रिप बी ड्रिवन वगैरह सब कुछ। स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, अपने हाइट एंड वेट अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर लगता है। एक एक हाइट एडजस्टमेंट सीट और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दोनों ही साइड, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स हैं। अब बात करें अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको 10 इंचज का टच स्क्रीन HD डिस्प्ले के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड सपोर्ट, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, AM/FM, डिजिटल ऑडियो, वेब, आईपॉड, आईफोन, ब्लूटूथ जैसे सारे कनेक्टिविटी फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट जेन होंडा कनेक्ट के फीचर्स भी देखने के लिए मिलते हैं, और 6 स्पीकर्स के साथ आता है आपका, और यहाँ पे 1000 लैंप के बटन्स मिल जाते हैं, एयर प्योरीफायर वगैरह मिल जाता है, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ACs वगैरह देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे, जिनके शॉर्टकट बटन्स वगैरह भी यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, और जिनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पे सिल्वर कलर की फिनिश वगैरह मिल जाती है, और यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है जो कि इसी वेरिएंट तक आता है, इससे नीचे वाले वेरिएंट्स में वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगा। 12 A का पावर आउटलेट, 2 USB पॉइंट और वायरलेस चार्जिंग ऑन ऑफ वगैरह करने के लिए बटन्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, 7 स्पीड का CVT ट्रांसमिशन भी आता है, पैडल शिफ्टर के ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पे हैंडरेस्ट मिल जाता है, थोड़ा बहुत स्पेस है कि भी रख सकते हो आप, और आर्मरेस्ट मिल जाता है कुछ इस तरीके का, अंदर आपको नॉर्मल स्पेस वगैरह देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पे जो लुक है वो कुछ ऐसा मिलेगा, और अंदर आपको मैनुअल IRVM देखने के लिए मिलता है, ऊपर 2 रीडिंग लैम्प देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि LED फॉर्म में मिलती है, और ऊपर आपको इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ देखने के लिए मिलती है जिसके कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं, सिंगल टच के साथ आती है जिसे आप वन क्लिक में ओपन या फिर क्लोज कर सकते हैं। शेड्स वगैरह ऑटोमेटिकली आपके ओपन हो जाते हैं, बट क्लोज करने के लिए मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा, और जो सनरूफ है वो कुछ इतनी ही खुलती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती जैसे कुछ कार्स में होता है, पूरी पीछे चली जाती है। बाकी हल्का सा टिंटेड ग्लास भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, और टिल्ट वगैरह के फंक्शन भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ड्राइवर साइड वैनिटी में आपको कुछ भी नहीं मिलता, पैसेंजर साइड में मिरर मिल जाता है जो कि लाइट्स वगैरह के ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश वगैरह देखने को मिल जाती है, कार में गन मेटल फिनिश भी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे स्टोरेज वगैरह मिल जाता है जो कि नॉन कूल्ड ग्लव बॉक्स वगैरह देखने के लिए मिलता है, और अगर साउंड क्वालिटी आप चेक करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारे जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बाकी डिस्प्ले में मेंशन कर दूंगा। एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, ड्राइवर साइड नहीं मिलेंगे, बाकी तीनों साइड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरीके का, बाकी सारे कंट्रोल्स और डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा, बाकी ड्राइवर साइड से जो व्यू है वो कुछ इस तरीके का देखने का मिलता है, पूरा बोनट आपको इजीली विजिबल है। और अभी चलते हैं सेकंड रो में, वहाँ कैसा स्पेस वगैरह मिलता है, फ्रंट सीट मेरे हाइट अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, उसके बाद देखते हैं पीछे क्या स्पेस वगैरह देखने के लिए मिलता है और फीचर फंक्शंस वगैरह क्या मिलते हैं। फिलहाल जो डोर है वो कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है, सेम डोल टोन फिनिश मिल जाती है फैब्रिक में, यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, फैब्रिक फिनिश है, गन मेटल फिनिश आपको मिल जाती है डोर्स वगैरह में, टोटर्स के लिए ऑप्शन है, नीचे स्पीकर वगैरह मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर है, सीट्स आपको एडजस्टेबल हेडर्स के साथ आते हैं, 60/40 फंक्शन, आईसो फिक्स जैसे फीचर जो है सेफ्टी के वो रिलेटेड मिल जाते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, और कोई भी आमरस वगैरह जैसे जो फीचर है वो इसमें अवेलेबल नहीं है। फिलहाल अगर बैक स्पेस की बात करें, नी रूम की बात करें, अच्छा खासा मिल जाता है, अंडर थाई सपोर्ट आपको नॉर्मल मिलेगा, बाकी पीछे मैगजीन होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं, ब्लैक पिलर्स मिलेंगे, पीछे 2 AC वेंट्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे, 12 V का पावर आउटलेट भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, बीच में एक हम्प जरूर मिलेगा जो तीसरे पैसेंजर्स को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकता है, ऊपर एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल्स, LED रीडिंग लैम्प, एडजस्टेबल हेडर्स वगैरह जैसे सारे फीचर्स मिलेंगे। पीछे जो डैशबोर्ड का लुक है वो कुछ इस तरीके का होंडा एलिवेट सेकेंड टॉप वेरियंट का आपको देखने के लिए मिलने वाला है, कॉमेंट जरूर बताइए आपको कैसा लगा। बाकी चलते हैं बाहर, अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में, इसमें जो इंजन वगैरह है उसकी क्या कैपेसिटी है और किस ऑप्शन में अवेलेबल है, जिसको यहाँ से लीवर की हेल्प से आप अपना बोनट ओपन कर सकते हैं। और होंडा एलिवेट में सिर्फ और सिर्फ 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर आता है, डीजल या फिर CNG का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेंगे। पावर की बात करें तो 1.5 लीटर में आपको 120 BHP एंड 145 Nm ऑफ टॉर्क यानी NM टॉर्क वगैरह देखने को मिलता है,
और 15.31 की MPL ARAI माइलेज कंपनी क्लेम करती है। अंदर इंसुलेशन वगैरह अच्छे खासे मिल जाते हैं, नीचे इंजन अंडरग्राउंड प्रोटेक्शन वगैरह भी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, जिसकी वजह से जो वायर कट जो है वगैरह घुस जाते हैं वो आपके अंदर नहीं जाएंगे। बाकी यहाँ से वॉशर्स वगैरह के लिए पानी वगैरह भरा जाता है। और ट्रांसमिशन में CVT और सिर्फ मैनुअल 6 स्पीड का ऑप्शन मिलेगा, और पेडल शिफ्टर के भी ऑप्शन आपको इसमें अवेलेबल है। तो फिलहाल ये थे इंजन की बात, और अभी क्लोज करते हैं बुलेट और बात करते हैं आगे। और अगर होंडा एलिवेट VX के एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 13,50,000 रुपये इसका एक शोरूम प्राइस मिलेगा। ऑन रोड प्राइसेस आपके सिटीज़ और स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं, 11 लाख से 16 लाख तक जाता है इसका प्राइस। और अगर आप लोग कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको ईजिली मिलती रहे। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, कमेंट करके जाएं, और बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।